हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिजाइन कंसेप्ट्स एंड ट्रिक्स। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीम्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बीम के टाइप बेसिस ऑन द सपोर्ट्स, देन बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री, देन बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन, देन उसके बाद में बेस्ड ऑन द डिफरेंट मटेरियल्स एंड लास्ट वन इज द बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, ये चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन सपोर्ट्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट फर्स्ट टाइप है सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे होती है। ठीक है, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अ बीम सपोर्टेड ऑन द एंड्स वेयर विच आर फ्री फ्रॉम द रोटेशन एंड हैव अ नो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट कॉल्ड द सिंपली सपोर्टेड बीम। देन सेकंड टाइप इज फिक्स्ड बीम, और फिक्स्ड बीम का जो एग्जांपल है वो आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं, अ बीम सपोर्टेड ऑन द बोथ एंड्स एंड रिस्ट्रेंड फ्रॉम द रोटेशन, दैट बीम कॉल्ड एज फिक्स्ड बीम। देन नेक्स्ट इज ओवर हैंगिंग बीम। अब ओवर हैंगिंग बीम का एग्जाम्पल इस इमेज में देख सकते हैं, नंबर ऑफ दी सपोर्ट्स आर देयर बट एट द एंड बीम इज ओवर हैंगिंग। ठीक है, अ सिंपल बीम एक्सटेंडिंग बियॉन्ड इट्स सपोर्ट ऑन वन एंड, दैट्स कॉल्ड द ओवर हैंगिंग बीम। उसके बाद में नेक्स्ट है डबल ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है, डबल ओवर हैंगिंग बीम का एग्जाम्पल आप इस इमेज में देख सकते हैं, जहां पर दोनों साइड में बीम ओवर हैंग हो रही है। अ बीम सिंपल बीम विद द बोथ एंड्स एक्सटेंडिंग बियॉन्ड इट्स सपोर्ट ऑन द बोथ एंड्स, दैट बीम इज कॉल्ड एज ओवर हैंगिंग बीम। द नेक्स्ट वन कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, कंटिन्यूअस बीम का जो एग्जाम्पल है वो इस इमेज में देख सकते हैं, नंबर ऑफ द सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड इन द बीम। ठीक है, अ बीम एक्सटेंडेड ओवर मोर देन टू सपोर्ट्स, दैट बीम कॉल्ड एज कंटिन्यूअस बीम। द नेक्स्ट टाइप इज कैंटिलीवर बीम। बेसिकली कैंटिलीवर जो बीम होती है वो एट वन एंड फिक्स होती है। इस एग्जाम्पल में देखिए आपको दिखेगा, और इसकी जो डेफिनेशन है वो है प्रोजेक्शन बीम फिक्स्ड ओनली वन एंड। द नेक्स्ट वन इज द ट्रस बीम। ट्रस बीम का एग्जाम्पल आप इस इमेज में देख सकते हैं, उसको डिफाइन करने के तो अ बीम इज अ स्ट्रेट एंड एट द एडिंग एंड द केबल और रॉड टू फ्रॉम द ट्रसेस, दैट बीम कॉल्ड एज द ट्रस बीम। देन जो नेक्स्ट टाइप है वो बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री से डिपेंडिंग फर्स्ट है स्ट्रेट बीम। ठीक है, इसमें जो एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड वो पैरेलल टू द बीम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ कर्व्ड बीम। ठीक है, कर्व्ड बीम का एग्जांपल आप इस इमेज में देख सकते हैं, कर्व्ड बीम कैसी होती है। एंड द थर्ड टाइप ऑन द ज्योमेट्री इज द टैपर्ड बीम। ठीक है, टैपर्ड बीम में क्या होता है, जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो डायमीटर है वो डिक्रीज होती है। देन नेक्स्ट वन इज द बेस्ड ऑन द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में देखिए फर्स्ट है आई सेक्शन बीम। ठीक है, आई सेक्शन बीम का एग्जांपल आप इस इमेज में देख सकते हैं। देन उसमें सेकंड आता है टी सेक्शन बीम। टी सेक्शन बीम बेसिकली कैसे होता है, यहाँ पर एक एग्जांपल है, साइड पे क्लिक किया हुआ, वहां पर आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द सी सेक्शन बीम। सी सेक्शन बीम का एग्जाम्पल आप इस इमेज में देख सकती है, सी सेक्शन बीम होती क्या है। ठीक है, उसके बाद बेस्ड ऑन दी मटेरियल्स जो बीम के टाइप्स है वो देखेंगे। सबसे पहले टिम्बर बीम। ठीक है, टिम्बर बीम का एग्जाम्पल इस इमेज में देख सकते हैं, बेसिकली ये वुडन फॉर्मेट में होता है। ठीक है, एंड इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टील बीम्स। ठीक है, स्टील बीम्स का एग्जाम्पल आप इस इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट कॉन्क्रीट बीम्स। कॉन्क्रीट बीम का जो एग्जाम्पल है वो आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो ये बेसिकली थ्री टाइप्स थे मटेरियल्स के। अब देखते हैं बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस बीम के जो टाइप्स है। ठीक है, सबसे पहले स्टैटिकली डिटरमिन्ड बीम। ठीक है, कैसा होता है, इफ द रिएक्शन फोर्सेस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ओनली अलोन, देन दे आर कॉल्ड एज स्टैटिकली डिटरमिन्ड बीम्स। ठीक है, स्टैटिकली डिटरमिन्ड बीम्स हम सॉल्व, जो इक्वेशन होता है वो सॉल्व होता है ओनली यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस, उसको हम स्टैटिकली डिटरमिन्ड बीम बोलते हैं। ठीक है, इमेज में आप एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है स्टैटिकली इनडिटरमिन्ड बीम। इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हमें कैलकुलेट करने होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए एडिशनल नंबर ऑफ इक्वेशन हमको कंसिडर करने होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट बीम। ठीक है, और स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट बीम का जो एग्जांपल है वो आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली आज के वीडियो में बस इतना ही था। हम बीम के बारे में देखने वाले के टाइप्स के बारे में, और जो इस वीडियो का कंटेंट आप लोगों को चाहिए नोट डाउन करने के लिए, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, लाइक करना मत भूलना, और साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। हो सके तो फेसबुक वॉल पे शेयर कीजिए, यहाँ पर व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में उस बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए बाय।